खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज विकासखंड तड़ियावा की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता GIC ग्राउंड तड़ियावा में संपन्न हुई, जिसमें 10 संकुल के विभिन्न विद्यालयों से बच्चों द्वारा प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। खेलकूद के दौरान दौड़, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊंचा कूद, जूडो एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मुख्य अतिथि चंद्रशेखर यादव, खंड शिक्षा अधिकारी अहिरोड़ी, राम किंकर वाजपेयी, अविनाश तिवारी, राघवेंद्र पांडे, भाग्य बिहारी त्रिपाठी, प्रदीप गुप्ता, मंजेश अवस्थी, जितेंद्र राणा, विनीत मिश्रा, शोभित गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, राजीव शुक्ला, संजय सक्सेना, संजय चौधरी आदि की उपस्थिति में बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव व उनकी पूरी टीम की देखरेख में संपन्न हुआ। आज ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कड़ियाओं विकासखंड की संपन्न हो रही है। सुबह से ही बच्चों में बड़ा उत्साह था। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों ने पूरा अपना प्रदर्शन दिखाया है। चाहे दौड़ हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, खो खो की प्रतियोगिता हमारे पीछे चल रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और विभिन्न प्रतियोगिताओं का विभिन्न स्थलों पर विभिन्न रेफरी और अध्यापकों के सहयोग से ये संपन्न कराया जा रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर टीम तड़ियावा के रूप में है। आगे जिले पर जब खेल होगा तो हम प्रयास करेंगे अपनी मजबूत टीम लेकर के वहाँ पर अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे और जनपद के आगे भी हम लोग अपना गत वर्षों की भांति अपना रिकॉर्ड आगे बढ़ाएंगे। सभी बच्चों को और शिक्षकों के सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। सभी को शुभकामनाएं और खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर सबको प्रमाण पत्र और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी तड़ियावा हमारे अहिरौरी के डिप्टी साहब आयु श्री चंद्रशेखर यादव जी, उनका भी स्वागत है, क्योंकि आपके हाथों से ही प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। आज विकासखंड तड़ियावा के परिषदीय विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्चे बहुत ही मनोयोग से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उनका उत्साह ये दिखा रहा है कि वो बहुत आगे जाने का मन बना चुके हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ खेल कूद के बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है और बच्चों के साथ साथ विद्यालयों से आए हुए अध्यापक भी बहुत ही मनोयोग से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। वैसे भी तड़ियावा का विगत वर्षों में विकासखंड का जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता से लेकर राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और मैं आशा करता हूं कि टीम तड़ियावा इस बार पुनः अपने परचम को लहराएगी और न ही जनपद अपित प्रदेश स्तर पर भी तड़ियावा के साथ साथ जनपद हरदोई का नाम रोशन करेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।